नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं बात करूँगी हर षष्ठी व्रत 24 तारीख को रखा जाए या फिर 25 अगस्त को, इस दिन बाल धो सकते हैं या नहीं, इस बार पहली बार व्रत शुरू कर सकते हैं या नहीं, क्या पहली बार व्रत शुरू करने से मायके के वस्त्र पहने या फिर ससुराल के वस्त्र नए पहने या फिर एक दो बार पहने वस्त्र पहने बाल धो सकते हैं या नहीं, इस विषय पर हम बात करते हैं। इस बार षष्ठी तिथि व्रत में कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई है। कन्फ्यूज़न की स्थिति इसलिए बनी हुई है क्योंकि षष्ठी तिथि का 6 है। पंचांग के अनुसार कोई तिथि की वृद्धि होती है, कोई तिथि का 6 होता है। इस बार ये व्रत 24 अगस्त और 25 अगस्त दो दिन मनाया जाएगा। 24 अगस्त को षष्ठी तिथि की शुरुआत सुबह 7:55 पर होगी, समाप्ति होगी सुबह 25 अगस्त को सुबह 5:30 पर। इससे पहले पंचमी तिथि थी और इस दिन पंचमी तिथि मानी जाएगी। अब मैं बात करूंगी 25 अगस्त की। 25 अगस्त को पंचमी तिथि का समापन सुबह 5:30 पर होगा, जब सूर्य उदय होगा। उस समय सप्तमी तिथि आ रही है, इसलिए षष्ठी तिथि को छिन्न दाया गया है। 24 अगस्त को इसलिए व्रत रखने को कहा गया है कि हमें दिनभर और रात को षष्ठी तिथि मिल रही है। 25 अगस्त को इसलिए व्रत रखने को कहा जा रहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर हमें थोड़ी सी भी कोई तिथि मिल जाए तो उसे हम सूर्य उदय की मान्यता देते हैं। इसलिए आप 24 और 25 अगस्त दोनों को ही व्रत कर सकते हैं। जैसा आपके क्षेत्र में करते हैं उसी प्रकार ही आपको करना होगा। कहते हैं कि इस दिन जो महिलाएं हर षष्ठी का व्रत नियमों का पालन करते हुए करती हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। संतान ना हो उसे संतान दीर्घायु होती है और उस घर में अकाल मृत्यु नहीं होता। अब मैं बात करूंगी क्या हर षष्ठी व्रत पहली बार शुरुआत कर रहे हैं तो क्या नया वस्त्र धारण करें। हर षष्ठी व्रत में अगर आप पहली बार व्रत की शुरुआत कर रहे हैं तो आप नया वस्त्र धारण करें। ये आप देख लें कि आपके घर में मायके से जो भी वस्त्र आता है उसे धारण करना है या फिर ससुराल का धारण करें। ऐसा कोई नियम नहीं है, आप कहीं का भी वस्त्र धारण कर सकती हैं। मायके का भी धारण कर सकते हैं और ससुराल का भी, परंतु पहली बार आपको नया वस्त्र धारण करना है और संतान को भी नया वस्त्र धारण कराएं। जो लोग शनिवार को व्रत करेंगे वो तुलसी पूजा करें, जल अर्पित करें। जो लोग रविवार को व्रत करते हैं वो तुलसी मैया को जल अर्पित नहीं कर सकते हैं। स्नान करते हुए इस दिन किसी भी दातन का माताएं बहनें इस्तेमाल नहीं करती, केवल महुए की दातन का ही प्रयोग करती हैं। वर्ष ब्रश पेस्ट का इस्तेमाल ना करें क्योंकि उसमें शुद्धता का कोई परिणाम नहीं होता। अब मैं बात करूंगी क्या इस दिन बाल धो सकते हैं। इस दिन बाल धो सकते हैं जो माताएं बहनें शनिवार को व्रत करती हैं वो बाल ना धोएं, केवल पानी में दही मिलाकर बालों को लगा लीजिए। इस तरह आप बाल धोने का नियम कर सकती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।